वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे शानदार सा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे क्या क्या फंक्शंस जो होते हैं, हमारे पास कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्या होता है, एक मशीन यानी हार्डवेयर और एक ह्यूमन के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस को क्रिएट करता है। ठीक है जी, यानी मैंने आपसे कहा सबसे पहले क्या होता है, सपोज ये हमारे पास कोई एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है जी, और ये हमारे पास कोई यहाँ पे ह्यूमन है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास मशीन है और ये ह्यूमन है। अगर ह्यूमन और ह्यूमन है ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, ठीक है, बड़े इजीली। ठीक है, लेकिन जब बात आती है एक मशीन की और एक हमारे पास ह्यूमन की, तो भाई मशीन को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो मशीन को ह्यूमन की बातों को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है निर्माण किया गया। अब इससे होगा क्या, देखिए इससे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इन दोनों के बीच में वर्क करता है एज अ इंटरफेस, यानी यूजर कंप्यूटर की भाषा को आसानी से समझ सके और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि जो सिस्टम है वो भी यूजर की भाषा को बड़े इजीली समझ सके, तो इसलिए जो है हमारे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अच्छा, बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट आ जाता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, या फिर यूं कहें सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक सेट बनाया जाता है और उसी सेट से हम क्या कह देते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो भैया क्या है, सिर्फ एक कोडिंग है, जैसा मैंने आपको बताया प्रोग्राम्स का सेट है, तो ये हमारे पास हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एक मशीन यानी एक हार्डवेयर, एक कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके और एक यूजर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है हमारे पास कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल प्रबंधन, फाइल प्रबंधन का मतलब यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट से है, साथ ही साथ मेमोरी प्रबंधन जिसे हम यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, प्रक्रिया प्रबंधन जिसे हम यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं, साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट को संभालने। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को संभालने यानी जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं और जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को उस चीज़ को मैनेज करना, साथ ही साथ जो आउटपुट डिवाइसेस है और इसके साथ जो कंप्यूटर हमें जो आउटपुट यहाँ पे दे रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट, उस चीज को संभालना। ठीक है, ये काम भी किसका होता है, ये काम भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको बताया था, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो इस कंप्यूटर सिस्टम से हमारा कीबोर्ड कनेक्ट रहता है, इस कंप्यूटर सिस्टम से हमारा माउस कनेक्ट रहता है, इस कंप्यूटर सिस्टम से हमारा पेन ड्राइव कनेक्ट रहती है, इस कंप्यूटर सिस्टम से हमारा प्रिंटर कनेक्ट रहता है, इससे हमारा स्कैनर कनेक्ट रहता है, तो इस तरीके जितनी भी सारे डिवाइसेस जो एक्सटर्नली कनेक्टेड रहती हैं हमारी कंप्यूटर सिस्टम से, हम उनको कहते थे क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है जी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो साथ ही साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जैसे कि डिस्क ड्राइव और प्रिंटर, इनको कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है जी, तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ बात करें जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो जाते हैं हमारे पास एग्जांपल किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जब आगे आएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है और हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो तब हम यहाँ पे बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम अब बात करते हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा जो जनरली हम यूज करते हैं विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, अभी लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है। तो इस तरीके से एंड्रॉयड जो हम अपने फोन में यूज करते हैं, ठीक है, तो जो फोन में हम यूज करते हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड का ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ठीक है जी,
तो ये तो हो गया भैया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब एक एक करके देख के चलते हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या है, कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये इमेज जो मैंने यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर रखी है उसकी वजह से थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे छिप गया। ठीक है, नो इशू। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कार्य यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करके चलते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जिसे हम कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मेमोरीज मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे मेमोरी प्रबंधन, जिसे हम यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है जी, अब समझिएगा होता क्या है। देखिए एक एक करके हम यहाँ पे इनको की फीचर्स को हम बात करके चलते हैं। देखिए बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, ये सभी कार्यों को हैंडल करता है, इन सभी कामों को करता है। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले हमने देखा भैया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, सपोज हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एट अ टाइम गेम भी खेलते हैं, एट अ टाइम हमारे पास बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजता है, कैमरा भी ऑन रहता है, इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस एट अ टाइम उस समय वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, तो इस तरीके से जो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सपोज मैं कह देता हूँ कि हमारे पास P1, P2, P3, P4 इस तरीके से तीन चार हमारे पास प्रोसेस हैं। ठीक है, तो इन तीन चार प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, कौन से प्रोसेस को कितने देर के लिए चलाना है, कितने टाइम के लिए चलाना है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, ये करता हमारा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, किस प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, तो ये करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज़ को हैंडल करता है। ठीक है जी, दूसरा फंक्शन देख के चलते हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब भी वही चीज हो जाता है क्या, कि जो हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट आता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट ये करता है हमारे पास कि किस प्रोसेस को हमारे पास कितना टाइम देना है, किस प्रोसेस को, साथ ही साथ ये भी दिखाता है किस प्रोसेस को, जो हमने अभी मेमोरी मैनेजमेंट देखा इसमें साथ ही साथ प्रोसेस देखिए मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, यानी किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, किस प्रोसेस से P1 को सपोज इसने 5 KB दे दिया, P2 को इसके नीड के अकॉर्डिंग इसने 2 MB दे दिया, P3 को इसने 5 KB दे दिया, इस तरीके से जो मेमोरी का मैनेजमेंट है ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है जी, तो ये तो क्या भैया मेमोरी प्रबंधन जिसे हम बोल देते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेसर की हम बात करें तो प्रोसेसर जो हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले अभी, जो जैसे मैंने कहा आपसे P1, P2 और P3 हमारे पास कोई प्रोसेस है, तो इस तरीके से किस प्रोसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे भेजना है, किस प्रोसेस को कहाँ पे भेजना है, कितने टाइम के लिए भेजना है, ये सारा जो प्रबंधन होता है, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है, ये करता हमारे पास कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका दूसरा की फीचर। तीसरा की फीचर की बात करते हैं जो हमारे पास आ जाता है क्या, यूजर इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये हमारे पास मशीन है और एक हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन है। ठीक है, तो इस मशीन से ह्यूमन को इंटरेक्शन के लिए हमें जरूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर सकते, अपने कंप्यूटर को ऑपरेट हम नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत होती है एक सॉफ्टवेयर की, जिसे हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारा क्या, यूजर इंटरफेस। ठीक है जी, अच्छा जी, अगला देख के चलते हैं डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि किस तरीके से प्रोसेस को कहां पे भेजा जा रहा है, यानी डिस्क जो हमारे पास है किस तरीके से प्रोसेस को किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है मेमोरी को। इसी तरीके से जो हमने जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हमने देखा कि मेमोरी एलोकेट की जा रही है प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को, जो हमने प्रोसेसर मैनेजमेंट देखा कि प्रोसेस जितने भी चल रहे हैं उनको मैनेजमेंट उनको करना, यूजर इंटरफेस देखा हमने कि यूजर को कैसे एक दूसरे के लिए इंटरफेस क्रिएट करता है, डिस्क मैनेजमेंट में जो हमारे पास डिस्क जो है, डिस्क ड्राइव्स जो है उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, उनका कैसे मैनेज करना है, ये आ जाता है हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट में। ठीक है जी, अगला की फीचर देख के चलता है नेटवर्किंग का। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे पास जो नेटवर्किंग है, किस तरीके से जो नेट का यहां पे चलना है, या फिर एप्लीकेशंस जो हैं किस तरीके से रन होनी है, वो सारा नेटवर्किंग का जो सिक्योरिटी का जो हमारे पास काम रहता है, वो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, यानी आप अपने लैपटॉप में अपने फेसबुक का अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालते हैं, बैंकिंग का आप डालते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी का जो हमारे पास यहां पे एक वर्क रहता है, जनरल वर्क, वो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, साथ ही साथ सिक्योरिटी की बात करें तो किस तरीके से जो यूजर्स हैं, कोई दूसरा
अदर यूज़र है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, उसको इफेक्ट ना करे। इस तरीके से क्या होता है, एक सिक्योरिटी का लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें पासवर्ड लगा देते हैं, तो वही पासवर्ड आ जाता है हमारा सिक्योरिटी के फीचर में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, जो हमारे पास की फीचर आ जाता है सिक्योरिटी। इस तरीके से एक सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब एक एक करके देख के चलते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं भैया मेमोरी मैनेजमेंट की, यानी प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक रखता है, यानी इसका कौन सा भाग किसके उपयोग में है, किस प्रोसेस को दिया जा रहा है, साथ ही साथ कौन सा भाग इसका उपयोग में है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये क्या होता है, मेमोरी हमारी हम जानते हैं बहुत सारे सेगमेंट में बटी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में यहाँ पे बटी होती है, तो किस प्रोसेस को कौन सा मेमोरी एलोकेट करना है, किस जो मेमोरी सेगमेंट है उसको ब्लैंक रखना है और किसको कैसे करना है, ये सारा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है, खुद से कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग में ओएस तय करता है कि किस प्रक्रिया कब और कितनी मेमोरी मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जब कोई प्रक्रिया इसकी आवश्यकता नहीं होती तो समाप्त कर देता है। जैसे कोई प्रोसेस की अभी आवश्यकता नहीं है तो उस प्रोसेस को यहां से क्या कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर देता है, टर्मिनेट उसे यहां पर कर देता है। ठीक है जी, तो उस मेमोरी को यहां पर डीएलोकेट भी ये कर देता है। तो ये हो जाता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, प्रोसेस को यहाँ पे मैनेजमेंट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ के उस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट। तीसरा आ जाता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट, जो हमारे पास डिवाइसेज जो है, पेरिफेरल डिवाइसेज जो हैं, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये आ जाता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट में। ठीक है जी, अगला आ जाता है फाइल मैनेजमेंट, यानी फाइल को एक ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना, साथ ही साथ जी ये तय करता है कि रिसोर्सेज किसे मिलेंगे, या फिर यूं कहें रिसोर्सेज का आवंटन, यानी जो हमारे पास फाइल है वो किस तरीके से रखी जाएगी, कैसे रखी जाएगी, वो सब हैंडल करने का काम हमारे पास हो जाता है। जैसे कि नाम ही फाइल मैनेजमेंट है, तो फाइलों का संग्रहण कहें या फाइलों को व्यवस्थित करने का काम, ये सब आ जाता है हमारे पास किसका, फाइल मैनेजमेंट में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम हो जाता है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मिल जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मिल जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, चौथा एक और मिल जाता है हमें यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये चार कैटेगरी होती है। तो क्या क्या इनमें होता है, ये कल की वीडियो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।